हाई गाइज़, वेरी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो स्किन केयर रूटीन का वीडियो है, दैट इज़ स्पेशली फॉर समर सीजन। हर सीजन में हमें अपना स्किन केयर रूटीन और अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स चेंज करने चाहिए। सो ये वीडियो स्पेशली फॉर समर सीजन है एंड इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि वॉट रूटीन आई एम फॉलोइंग एंड वॉट प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग। मे भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द समर सीजन इज़ दैट क्लिनजिंग। अपना फेस को आप जितना ही क्लीन रखोगे, जितने कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे अपने फेस पे, उतना ही आपका फेस ग्लो करेगा। बिकॉज समर में इतना हमें ऑलरेडी स्वेटिंग होती है कि हमारे फेस से ऑलरेडी ओपन पोर्स हो जाते हैं एंड हमारे फेस पे ज़्यादा कोई भी क्रीम या मेकअप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए टिक नहीं पाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप कम प्रोडक्ट यूज़ करें। घर पे हैं अगर तो कोशिश करिए अपने स्किन में बहुत ही लाइट प्रोडक्ट यूज़ करें और क्वांटिटी वाइज वन मॉइस्चराइजर दैट इज़ इनफ फॉर योर डे। सो मैं अपना जो स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द मॉर्निंग, आई क्लेंस माई स्किन विद अ फेस वॉश, देन आई यूज मॉइस्चराइज टोनिंग, देन मॉइस्चराइज माई स्किन। सो इस तरीके से मेरा रूटीन स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट टू दैट क्लेंजिंग, आई विल शो यू कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट thing which is cleansing and I am using this face wash currently to cleanse my skin and this is a Wow aloe vera hydrating face wash with built-in face brush for deep cleansing। तो ये ब्रश के साथ आता है इस तरीके से, ये जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, जो भी डर्ट वगैरह आपके स्किन पे रहती है वो सारी रिमूव हो जाती है एंड आपका फेस बहुत ग्लो करता है। बहुत ही सिलिकॉन बेस्ड ब्रश है तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये एलोवेरा जेल यूज़ करना समर में, क्योंकि समर में ऑलरेडी इतना स्वेटिंग होता है, फेस पे कुछ भी टिकता नहीं। ऑल्दो माय स्किन इज़ वेरी वेरी ड्राई, तो ऑल आई कैन अज्यूम कि ऑयली स्किन वालों का क्या हाल होता होगा समर में। तो इसलिए ट्राई टू यूज़ जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स इन समर। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन आई एम यूजिंग। अगर आप इस तरीके का आपके पास नहीं है तो आई विल गिव यू ऑल्टरनेट ऑप्शंस। तो फेस वॉश में पहली चीज़ है कि आप अगर स्क्रब बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, जो कि मैं आपको दिखा प्रोडक्ट, जब भी मेरा प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो आई ट्राई टू यूज़ न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन यूज टू हो जाती है, फिर वो रिजल्ट्स नहीं देती है। तो मैं प्रोडक्ट चेंज करती रहती हूँ हर सीज़न में एंड थैंकफुली मेरी स्किन में कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज मेरी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है। आप ऐसा मत करिएगा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन या ऑयली स्किन है, आप पहले टेस्ट करके ही कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करिएगा। सो दिस इज़ द फेस वॉश आई एम यूजिंग। अगर ऑल्टरनेट ऑप्शन पे आप जाओगे तो आप फ्रूट बेस्ड फेस वॉश ले सकते हो, समर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, रिफ्रेशिंग होते हैं। एंड आप स्क्रब बेस्ड फेस वॉश लीजिए, स्क्रब बेस्ड फेस वॉश आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। एंड उसके बाद आप जेल बेस्ड फेस वॉश लीजिए, जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट विच इज़ अ टोनिंग एंड आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स लेवेंडर सूथिंग फेस मिस्ट। ये बहुत ही अच्छा है, कूलिंग इफेक्ट देता है एंड दिस कम इन अ स्प्रे बॉटल। इस तरीके से आप स्प्रे करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तुरंत आफ्टर फेस वॉश इसको यूज़ करती हूँ। इसमें कपूर भी मिला है जो कि बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आपको देता है एंड नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, कोई भी स्किन को हार्म नहीं करता है। सो ट्राई टू यूज़, अगर आप टोनर यूज़ करते हैं तो इस तरीके से स्प्रे बॉटल लीजिए, विच इज़ वेरी फ्रेंडली टू यूज़ इंस्टेड ऑफ वो टैप करके यूज़ करने में। ओके, सो द थर्ड वन इज़ द मॉइस्चराइज़र। करेंटली आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइज़र, वाव एलोवेरा लिफ्ट एंड फॉर्म जेल मॉइस्चराइज़र। ये भी बहुत अच्छा है, इस तरीके से कैप में आता है और रोलर है इसमें, सो दैट आपकी स्किन को ये लिफ्ट एंड फॉर्म करता है। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है, मैं एलोवेरा जेल से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। समर सीजन में इसको आप यूज़ करोगे तो ये आपको स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होने देता है, कूलिंग इफेक्ट आपके फेस पे देता है एंड इंस्टेंट ग्लो भी देता है, विच इज़ रियली वेरी गुड। इंस्टेंट ऑफ दैट अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करें, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें। मेरी ड्राई स्किन है, मेरे पे भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं टिकता, तो आप ट्राई टू यूज़ जेल बेस्ड, जो वाटरी फॉर्म में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, दोज आर द जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, तो आप वही यूज़ करें। अगर आपको
सनस्क्रीन इंक्लूडेड मिलता है, तो और अगर आप घर पे हैं तो आप ट्राई टू यूज़ लाइक 10 SPF, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि घर पे रह के 10 SPF इज़ इनफ। मैं घर पे हूँ तो आई ट्राई टू यूज़ अवॉइड द सनस्क्रीन अगर मुझे बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि सनस्क्रीन आपके पोर्स को ब्लॉक कर देती है जिससे आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती। तो अगर आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है तो कुछ दिन के लिए आप सनस्क्रीन अवॉइड भी कर सकते हैं, सो दैट आपकी स्किन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सके ईजली। एंड ये तो हो गया डेली रूटीन की बात, अब मैं आपको बताती हूँ इसके अलावा मैं अपनी स्किन के लिए क्या करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्क्रब करूँ हर ऑल्टरनेट डेज पे, क्योंकि स्किन पे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है, डर्ट बैठ जाती है, बिकॉज पसीना इतना निकलता है तो कोई भी चीज़ ईजली स्टिक हो जाती है। तो मैं यूज़ करती हूँ हर ऑल्टरनेट पे स्क्रब। ओके, कोई भी आप स्क्रब ले सकते हैं, थोड़ा माइल्ड स्क्रब लीजिए अगर आपको ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करना है, और अगर आपका हार्ड स्क्रब है तो उसको वीक में एक या दो बार ही यूज़ करिए। इसके अलावा मैं फेस पैक यूज़ करती हूँ, वीक में दो बार फेस पैक मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास कोई फेस पैक है रेडीमेड तो विच इज़ वेरी गुड, बट मैं प्रिफर करती हूँ दिस मुल्तानी मिट्टी, दिस इज़ द वेरी हर्बल नेचुरल फेस पैक। इसमें मैं कभी नींबू के 2-4 बूंदे डाल लेती हूँ, कभी दही इंक्लूड कर लेती हूँ, कभी खीरा टमाटर जो भी है इंक्लूड करके इसको यूज़ कर लेती हूँ। एंड अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप सिंपल इसको पानी में घोलिए, ट्राई टू कि आप इसको जब भी पानी में घोलें उसके आधे घंटे के बाद ही यूज़ करें, क्योंकि ये फूलता है तभी आपकी स्किन पे अच्छे से ब्लेंड होके आपको स्मूथ आपके फेस पे लगेगा। जब ये सूख जाए तो इसको रिमूव कर दीजिए। एंड उसके अलावा मैं वीक 15 डेज में एक बार फेशियल भी करती हूँ घर पे, सो मैं ये किट यूज़ करती हूँ, बट दिस इज़ ओनली फॉर द ड्राई स्किन पीपल, ऑयली स्किन वालों को ये सूट नहीं करेगी क्योंकि मिल्क एंड हनी है। सो आप कोई भी इस सूदिंग वाला फेशियल किट ले सकते हैं जो कि 15 दिन में या महीने में एक बार अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रात में सोने से पहले फेस वॉश करने के बाद मैं स्टीम लेती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, एंड अभी कोविड की वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप फेस वॉश करें, उसके बाद आप स्टीम लें, उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। मैं रात में नाइट क्रीम लगाती हूँ, तो इस आप कोई भी अगर नाइट क्रीम नहीं है कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, उसके बाद आप सोइए। एंड स्टीम लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी स्किन से भी डर्ट रिमूव होती है, आपकी स्किन अच्छे से सांस ले पाती है, और कोविड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द माई स्किन केयर रूटीन फॉर द समर। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।